बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ नागपुर विधानसभा में उठाए गए जमीन घोटाला मामले पर एनसीपी के नेता अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस घोटाले में एकनाथ शिंदे का नाम घसीटा जा रहा है उसे जग जाहिर करने और उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर पीआईएल करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी दल बीजेपी के हैं। नागपुर भूखंड घोटाले के लिए बीजेपी के लोगों ने ही एकनाथ शिंदे के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह दावा किया है। एनसीपी नेता संजय पाटिल के खिलाफ विधानसभा में निलंबन की कार्रवाई से विपक्षी दल खासतौर पर एनसीपी काफी नाराज है। वहीं अजीत पवार ने कहा कि सरकार बीते 6 महीनों से हुक्म चला रही है, अपने नेताओं को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं जबकि विपक्षी दल के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने यह खुलासा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे का जमीन घोटाला कौन बाहर लाया। पवार ने कहा कि आने वाले समय में शिंदे बीजेपी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ सकती है। वहीं अजीत पवार ने कहा कि 83 करोड़ की जमीन को सिर्फ 2 करोड़ में आवंटित किया गया। शिंदे पर भूखंड और श्रीखंड खाने का आरोप लग रहा है। यह मामला सबसे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार में और अब उनकी सरकार में शामिल है। बीजेपी के कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी। सांसद संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक प्रवीण दटके और विदर्भ के लोगों ने इस मामले में सवाल उठाया था, अब इसी विषय को हमने भी उठाया है। संजय राउत ने कहा कि इस बात का सीधा मतलब यह निकलता है कि बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे के भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र की खोखिस सरकार यानी कि शिंदे गुट को यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से उतार लेनी चाहिए कि चंद्रशेखर बावनकुले ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वह महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ही देवेंद्र फडणवीस को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।